हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पार्ट टू है यूनिट 11 का, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 11 का ये पार्ट टू है। तो ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन विच डायरेक्शन डिड द शिप स्टार्ट मूविंग, हाउ कैन यू से? तो इसका आंसर है, शिप नॉर्थवर्ड्स के लिए मूव करना चालू कर दिया था। इसका प्रूफ है कि पोयम में लाइन है, द सन नाउ रोज अपॉन द राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द मरीनर से दैट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो? इसका आंसर है, मरीनर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने अल्बेट्रस को मार दिया था और अब वो उनका पीछा नहीं कर रहा था। थर्ड है, हाउ डिड द अदर मरीनर्स बिहेव टुवर्ड्स द एंशियंट मरीनर एट फर्स्ट? हाउ मेनी टाइम्स डिड दे चेंज देयर माइंड अबाउट द एंशियंट मरीनर? वॉट डज दिस टेल अस अबाउट देयर कैरेक्टर? तो इसका आंसर है, जो अदर मरीनर थे वो पहले एशियन मरीनर को एल्बेट्रस को किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसे उसे डांटते थे, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना देते थे और उसे बहुत कोसते थे, पर उनने बाद में माइंड अपना बदल लिया और उसे एशियन मरीनर को वो प्रेस करने लगे क्योंकि उसने उस बर्ड को मार डाला था जो फॉग और मिस्ट को जिसने ला दिया था। ये बताता है कि जो अदर मरीनर्स थे वो बहुत कंफ्यूज थे और उनका माइंड फिकल माइंडेड थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना या सकता है, दे वर फिकल माइंडेड, FICKLE माइंडेड। तो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द सेलिंग कंडीशंस चेंज आफ्टर द शिप हैड मूव्ड आउट ऑफ द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो? व्हाट और हु डिड द मरीनर ब्लेम फॉर दिस चेंज? आंसर, द सेलिंग कंडीशन चेंज फॉर वर्स्ट, मतलब सेलिंग कंडीशंस और वर्स होने लग गई जब लैंड ऑफ मिस्ट और स्नो से वो बाहर निकल गए। पहले तो वो साइलेंट सी में उनकी शिप फंस गई और जो हवा थी वो भी बिल्कुल थम गई, और जिससे जो सेल्स थी, मतलब जो शिप आगे बढ़ती है ना हवाओं से, वो शिप वहाँ पे अटक गई थी क्योंकि हवा चली नहीं रही थी, शिप वहाँ पे स्टैंड स्टिल हो गया, केम टू स्टैंड स्टिल। द मरीनर्स ब्लेम्ड द एशियन मरीनर फॉर दिस चेंज, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो एल्बेट्रोस है उसे मार दिया जो हवा रहता था। तो देखिए, पहले वो उसे प्रेस करते थे, पर अब वो उसे प्रेस नहीं करते, उसे अब और ब्लेम करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं बहुत कंफ्यूज थे वो लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द लाइन द ब्लडी सन एट नून स्लैश राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड स्लैश नो बिगर देन द मून? तो इसका आंसर है कि ये हमें बताती हैं कि बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी जिससे सन बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ही है। द वर्ड ब्लडी शोज हाउ अनवेलकम द सन वॉज, ब्लडी से मतलब है कि सन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था और उसे लोग चाहते नहीं थे कि वो वहाँ पे और रहे। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द मरीनर डिस्क्राइब द फैक्ट दैट दे वर कम्प्लीटली मोशनलेस इन द मिडिल ऑफ द सी? तो ये भी वही ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें हमें पोयम की लाइन बतानी रहती है। तो इसमें स्टेंजा में, डे आफ्टर डे वी स्ट्रक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन पोर्ट्रेस अ स्टिल पिक्चर। मतलब इन सबसे पता चलता है कि वहाँ पे शिप बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और ऐसा मानो कि पेंटेड शिप थी वो, बिल्कुल जैसे पेंटिंग कर दी हो, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। तो ये सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द नाइन्थ स्टेंजा, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। इस आयरनी मतलब व्यंग, तो इसको देखते हैं। शिप, इसमें आयरनी ये है कि शिप हर जगह पानी से भरी हुई थी पर सेलर्स को इतनी थर्स्ट थी कि वो एक, क्योंकि वो सी वाटर एक भी नहीं पी पा रहा था कोई भी, सी वाटर में क्योंकि बहुत नमक होता है जो जानलेवा होता है। तो ये आयरनी है कि वो हर जगह पानी से घिरे हुए थे पर एक घूट पानी नहीं पी पा रहे थे और बहुत प्यासे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नरेटर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन इन द 10th एंड द 11th स्टेंजा? तो आप अपनी बुक सामने रखिए और देखिए 10th और 11th स्टेंजा में, खोल लीजिए और जब भी आपको समझ में आएगा, मुझे लगता है आपने खोल ली है, अगर नहीं खुली तो आप पॉज कर लीजिए और बाद में फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा ये वीडियो। तो जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो फिर अब मैं बता देता हूँ।
आंसर है इस इंस्टेंजास में नरेटर बताता है कि उनकी शिप बिल्कुल स्टिल थी पूरे सी में, हर जगह मोशनलेस सी था और ऐसा ऐसा लग रहा था कि पानी सड़ रहा था, एनिमल्स अंदर से बाहर निकल रहे थे और उनकी उनकी जो शिप थी उसमें रेंग रहे थे, बहुत डरावना ये बताया गया है। और रात में डेथ फायर्स सीम टू डांस नियर देम, तो ये सब उनको ऐसा लगने लगा था क्योंकि वो उनको बहुत प्यास लग रही थी, तो उनका माइंड अब ये अपने आप इमेजिन करने लग गया था। नरेटर रिफर्स टू द सी वाटर एज द विस ऑयल, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरा जो सी का वाटर है वो ऐसा कोई चुड़ैल का तेल जैसा है, और वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जो वो बहुत थर्स्टी थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी जो है वो अपने कलर बदल जा रहा है, इसलिए उसे वो विस ऑयल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट और हु डिड द मरीनर्स फील वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग, तो मरीनर्स आखिर में ये बोलते हैं कि एशियन मरीनर ने एल्बेट्रॉस को मार के गलत किया और वो ही इन सब का दोषी है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ मरीनर्स एज एक्सप्रेस्ड इन द 13th स्टेंजा, तो आप देखिए 13th स्टेंजा, तो उसमें मरीनर की जो कंडीशन बताइए, वो बहुत ही थर्स्टी हो जाते हैं और उनके टंग बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं और वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो गला है वो बिल्कुल चोक हो गया है पानी के बिना। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द मरीनर्स हैंग द एल्बेट्रॉस अराउंड द नेक ऑफ एंशिएंट मरीनर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो आंसर है मरीनर ने एशियन मरीनर के गले में एल्बेट्रॉस को इसलिए बांध दिया था क्योंकि उसे याद रह सके कि उसने इतना बड़ा पाप किया है एल्बेट्रॉस को मार के, और उसकी वजह से ही दूसरे लोग मर गए पर वो जिंदा रह गया, तो अब वो जिंदगी भर ये सब भूल नहीं पाता और इसलिए वो लोगों को बताता रहता है ये सब। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लाता रहूँगा। जब तक के लिए बाय।